हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइए आप अच्छे होंगे। मैं केपी संत आप सभी का काफ़ी दिनों के बाद मैं गाज़ियाबाद आरआरटीएस स्टेशन की अपडेट दे रहा हूं दोस्तों, जो कि लगभग करीब 35 डेज के बाद मैं दोस्तों आप लोगों को गाज़ियाबाद स्टेशन की अपडेट देखने के लिए मिलेगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, एक साइड में देखो दो सब्बे हैं, एक तो इधर से जोड़ा जाएगा, देखो वो सामने है दोस्तों चौधरी चरण सिंह पार्क, और एक इधर है, तो देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने फ्लोरिंग वर्क कर दिया दोस्तों। उसके बाद में इस पर जो इस पर सनरूफ डाला जाएगा, रूफ टॉप का स्ट्रक्चर देखो लगाया जा रहा है इस साइड में, इधर अभी क्या, और देखो ये है मामाया की साइड में, जो मामाया स्टेडियम है इसके पीछे है, और देखो यहाँ पर भी अभी एक पिलर बनाया जाएगा, इसको भी कनेक्ट किया जाएगा जैसे उधर किया जा रहा था दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें किस तरीके, तो सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो चुके हैं और इनकी ऊपर की अब शटरिंग लगाई जा रही है दोस्तों। ये है मामा, इसके पीछे है मामाया, और ये सीधे रूट चला जाता है दोस्तों, कहाँ साहिबाबाद होते हुए सीधा आनंद विहार, और फिर उसके बाद में निकल जाएगा न्यू अशोक नगर से सीधा सराय काले खां के लिए। तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं चल के दोस्तों दूसरी साइड का। अभी देखो मैंने ऊपर से दिखाया था आप सभी को, आप सभी को नीचे देखने के लिए मिलेगा। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, क्या ही खूबसूरत नज़ारे इस टाइम पर चमक रहे हैं दोस्तों। नमो भारत ऐप भी लॉन्च किया गया है, जिन लोगों को दिक्कत होती है वो नमो भारत ऐप के थ्रू इसको आरआरटीएस को यानी कि रैपिड रेल को दोस्तों बुक कर सकते हो आप लोग। देखो और एक ये बनाया गया है दोस्तों, जो कि चौधरी चरण सिंह पार्क है उसके साइड में ही, देखो एक यहाँ पर बनाया गया है एंट्री एग्जिट पॉइंट, जो कि ये आपको बता दूं कि 80% काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, 20% बचा हुआ है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो, फ्लोर वर्क हो ही चुका है दोस्तों, और रूफ टॉप का स्ट्रक्चर लगाने का काम किया जा रहा है, बस ये वाला हिस्सा बचा हुआ है जो फ्लाईओवर के नीचे आ रहा है। ये इस पर अभी शटरिंग देखो लग गई है जाली, शटरिंग लगा के इसको भी कर देंगे, और उरत से भी ये जोड़ा जाएगा दोस्तों। देख सकते हो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक, तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन होता है प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, दोस्तों आप सभी को बता दूं कि देखो जो मेरठ रोड को, जो मेरठ के लिए जाने वाले हैं, उस साइड में दोस्तों दो एंट्री एग्जिट पॉइंट दिए गए हैं, एक तो बिल्कुल पहले ही था और एक देखो ये है। इस पर भी दोस्तों ये भी बन के कम्प्लीट हो गया, बस 20% काम बचा हुआ है, इस पर 80% कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। इस पर भी अभी देखो फ्लोर वर्क कर दिया और जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर है वो लगाने का काम किया जा रहा है। अब आ जाते हैं इस साइड में दोस्तों, देखो यहाँ पर एक नाला बनाया गया है, तो नाले को भी आप लोग देखो, ये नाला बनाया गया है इसी वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पर टाइम लगा दोस्तों। ये नाला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, तो उधर का भी इन्हें खोल दिया, और इधर भी देखो एक पिलर ये रहा जो इसको कनेक्ट किया जाएगा दोस्तों, देख सकते हो। और आप लोगों को बता दूं कि देखो एक तो यहाँ पर बनाया जा रहा है एंट्री एग्जिट पॉइंट, कौन था ये चौथा एंट्री एग्जिट पॉइंट है, देखो आप लोग यहाँ पर देखो दो पिलर बन चुके हैं, इस पर भी सारे पिलर ऊपर उठाए जा रहे हैं, ऊपर उठाए जाने के बाद में दोस्तों इस पर फ्लोर वर्क कर देंगे दोस्तों। और देखो ये पिलर आप लोगों को चमककर लाइट हैंड वाला, ये सीधा शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट किया जाएगा दोस्तों, तो उसका व्यू आप लोगों को दिखाते हैं चल के, देखो क्या व्यू आ रहा है। देखो ये सारे ही फाउंडेशन बन के कम्प्लीट हो गया है, और उसके बाद में भी अगर आप लोगों को बता दूं कि अभी दो तीन होल और करने हैं, पायल करना है, मशीन देखो वो अंदर की साइड में लगी हुई है, तो वहीं पे चल रहे हैं, आप लोगों को दिखाएंगे चल के कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो आप लोगों को बता दूँ जो है वैभव कंस्ट्रक्शन इसके पाँचों एंट्री एग्जिट पॉइंट बना रही है दोस्तों, देखो आप लोग सारे ही मतलब कि इसका फाउंडेशन बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। बस देखो इस तरीके से ये पिलर का फाउंडेशन बनाया गया है दोस्तों,
सरियाओं का जाल देखो ये बना दिया अब इसमें, और सरिया लगेंगे फिर इसको ऊपर ऊपर उठाया जाएगा दोस्तों, और इसको ये देखो रेड लाइन मेट्रो से कनेक्ट कर दिया जाएगा इसको सब्बे को दोस्तों। ऐसे ही आगे देखने के लिए मैं चलो मैं दिखाता हूँ, देखो कैसे वर्क हो रहा है वहाँ पर। देखो ये ज़मीन के अंदर देखो पाइल किया गया है, ये ज़मीन के अंदर चार पिलर को डाला गया है अंदर पाइल करके, अब इनका फाउंडेशन बनाया जाएगा। देखो मिट्टी ये इन्होंने साफ़ कर दी है, और देखो टूटा हुआ देखो मटेरियल वो रखा हुआ वहाँ पर, तो अब इनका जाल बनाया जाएगा। जैसे उधर फाउंडेशन बनाया गया वैसे ही इधर भी बनाया जाएगा दोस्तों। देखो इसका भी फाउंडेशन बनाया जाएगा दोस्तों, ये देखो इस तरीके से ये फाउंडेशन बनाया जाता है। और देखो पाइल मशीन देखो वो खड़ी हुई है वहाँ पर, तो इसको ये रेड लाइन से जोड़ने का काम किया जाएगा दोस्तों। ये देख सकते हो यहाँ पर जेसीबी चल रही है, तो चलो मैं आपको वहीं ले कर चल रहा हूँ। देखो इसको फाउंडेशन बनाया जाएगा, देखो इस तरीके से ये कंक्रीट तोड़ा जाता है, ये देखो ये तोड़ेंगे फिर ये साफ़ कर दिया जाता है। ये तीनों को तोड़ दिया दोस्तों, इधर चल रहा है देखो ये मिट्टी साफ़ हो रही है दोस्तों। देखो ये जेसीबी चल रहा है, आप लोगों को बता दूं ये जेसीबी मिट्टी निकाल रहा है, क्योंकि यहाँ पर पाइल बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। देखो ये मिट्टी निकाली जाएगी, ये दोनों देखो चारों पिलर है ना, इनको बिल्कुल साफ़ किया जाएगा फाउंडेशन बनाने के लिए। अभी इनको तोड़ा जाएगा, इनके सरिये निकाले जाएंगे, सरिये बना के सरिये निकालने के बाद में फिर इस पर बिल्कुल लेवल में गड्ढा किया जाएगा, फिर इस पर फाउंडेशन बनाएंगे यानी कि पिलर का स्ट्रक्चर ऊपर सरियाओं का जाल निकालेंगे दोस्तों। देखो किस तरीके से यहाँ पर वर्क चल रहा है, तो ये मैं लाइव दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, ताकि आने वाले टाइम में आप लोगों को ऐसे वीडियो तो मिलते रहें, जो आने वाली पीढ़ी है वो भी देखेगी कि किस तरीके से बनाया गया था इसको। देखो ये पाइल मशीन खड़ी हुई है दोस्तों, और ये हम बिल्कुल जड़ में पहुँच चुके हैं, किसके शहीद स्थल मेट्रो के बिल्कुल बगल में आ चुके हैं, देख सकते हो आप लोग तस्वीरें दोस्तों। इससे भी जोड़ दिया जाएगा, तो आप लोगों को बता दूँ कि गाज़ियाबाद RRTF के स्टेशन पर 5 एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं दोस्तों। देखो आप लोग क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के, तो आप सभी इंजॉय कीजिए ऐसी वीडियो को। काफ़ी दिनों के बाद मैं दोस्तों KP संत के चैनल पर अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, तो आप लोगों से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना दोस्तों।